हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अगर आपको भी स्नोफॉल पसंद है तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखो, क्योंकि मैं आज आपको उसी लोकेशन पर ले जाने वाला हूँ जहाँ पे हमें स्नोफॉल मिली थी। और ये गाइस मिनी स्विट्जरलैंड का गेट है। लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे एंड किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो पूरी वॉच कर लेना। एंड अभी चलते हैं आगे। ये गेट है मिनी स्विट्जरलैंड का। ओके, टिकट है, टिकट है। कितने रुपए टिकट भैया का? हम चार जने। लो भैया पता, वो वाले भैया, भैया चार टिकट। चेंज हो। सो ये शूज देखो, इनको बर्फ ही मिली है शूज साफ करने के लिए। वो काफी हो गए लेकिन, है ना? अरे ठीक है। अरे यार हो गए यार। शूज साफ करने की जगह इनको यही मिली है। आप अगर यहाँ आते हो गाइस तो गंदे हो जाए तो साफ करने का तरीका देख लो आप। एंड यहाँ पे आप शूज लेके आओ, हमने नहीं ली, गलती की, हमारे कपड़े शूज सब गंदे हो गए हैं। एंड गाइस इसी को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, इंडिया का, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। गाइस थोड़ी सी जैसे जनवरी में आते हैं, दिसंबर में आते हैं तो पूरी बर्फ यहाँ मिलती है यहाँ तक। देख सकते हैं आप, थोड़े से तो बेटर हो गए। या पहले से बेटर हो गए, पहले तो बहुत ज्यादा हो गए थे आपके। फोटो खींची यार, फोटो। चलो गाइस आप इंजॉय करो, एंड आपके लिए मैं और क्लिप्स रेडी करूंगा। एंड पहले हम फोटो सेशन कर लेते हैं। ओके, सर्दी यार यहाँ भी है ना, नहीं हो जा रहा, चलते नीचे। मेरे से नहीं होगा यार। कमान कमान गाइस, यहाँ पे आके सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बारिश आनी शुरू हो गई है यार, लिटरली मैंने बोला था उनको बारिश आ सकती है। चलो यार। आओ चलो चलो, फास्ट 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 फास्ट, सब देखा हुआ है। राइट 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 राइट। हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है ना बारिश वाला एरिया बन गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है गाइस यहाँ पे हमको। तो अभी हम तो यहाँ पे और नहीं रुक सकते हैं क्योंकि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बारिश वाला मौसम बन गया है। एंड थोड़ी थोड़ी बारिश आने भी लग गई है। ओह माय गॉड, ये देखो, शूलेस बांधो बेटा, शूलेस बांधो, ऐसे मत चलो। कोई बात नहीं, गंदे होंगे हाथ, मुझे पता है, शूज बांध लो, मैं साफ करा दूंगा पानी पानी से। कमन, सो इसे कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। और वाकई में अगर ये पूरा बर्फ से भरा होता है यहाँ तक तो बहुत मजा आता, लेकिन इतने में भी हमको इतनी ठंड लग रही है और यहाँ ठंड भी ज्यादा है और हम लेट भी हो गए हैं। क्या टाइम हो रहा है आसपास? 6:30-7 हो गए हैं हमको यहाँ पे पहुंचते पहुंचते। और पता नहीं हम आगे की पॉइंट कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो यहाँ पे। बस यहाँ से निकले फटाफट कैसे भी। ओ माय गॉड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात गाइस, शूज जरूर ले लेना, शूज के बिना यहाँ आना मतलब बेवकूफी है जो हम लोगों ने की है। पूरे कपड़े गंदे। ओ यशु, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ से नहीं जा सकते अपन। ऊपर चलते, ऊपर नहीं, ऊपर से भी नहीं, फिर वहां चलो, वहां चलो, वो जो भैया खड़े ना वहां से जाना है अपन को। चलो गाइस, गाइस अगर आप भी अगर ऐसे किचन में कभी चले हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इतनी कुछ खास नहीं, कपल पिक्स नहीं आई हमारी। सुनो सुनो, मैं से बोल रहा हूँ भैया, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी। क्या आ जाओ आ जाओ गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड के गेट पे। एंड भैया आपका नाम क्या है? इर्शाद। भैया हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। हाँ जी भैया बताएं। ये मिनी स्विट्जरलैंड बजरंगी भाईजान का प्लेस है, यहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ है। बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ है, कौन सा कुछ आपको क्लिप पता है, कौन सी शूटिंग हुई यहाँ पे? यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुआ है, जो भी मतलब मुन्नी का घर जो मिल रहा है ना, मुन्नी का घर, मुन्नी का घर वो उस साइड में, वो ऊपर देखो उधर मुन्नी का घर। ओके गाइस, मुन्नी जो मुन्नी थी उनका घर जो दिखाया गया था वो वहाँ दिखाया गया था।
और ये पहले दो भाई लोग का जमीन रहता था जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। ओके ओके। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये पूरा इसको कवर किया हुआ है पूरा। तो अपन ऐसे जो पेड़ वगैरह उनके बीच में जा सकते हैं? पेड़ वे उधर नहीं, उधर नहीं, वो उसको वो जो फेंसिंग, फेंसिंग अच्छा वो लगा हुआ है। हाँ 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 हाँ, इधर पूरा कवर। ओके ओके ओके, यार गजब यार, अच्छा बनाया हुआ है। सो ठंड बहुत ज्यादा लग रही है और ठंड के साथ में एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। साहब जी, ये वीडियो आप यूट्यूबर या इंस्टाग्राम? यूट्यूब। यूट्यूब कौन सी चैनल? प्रीहर व्लॉग्स। प्रीहर व्लॉग्स फोन आपके पास? फोन है लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम। निकलो आप, मिलते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट मंथ करते हैं या क्या, देखते हैं। बहुत ठंड बढ़ रही है, लोग ग्लव्स पहनना है। इस खूबसूरत सी जगह को गाइस भाई सरंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो भाइयों की खेती रहती थी, दो भाइयों की जमीन थी पहले, यहाँ खेती होती थी पहले खूब। अभी इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है कश्मीर में, जो कि पहलगाम के अंदर है। राइट, नाउ गो अगेन। बस अभी बंद करो, अभी बंद करो, बस यहाँ तक पहुँच के बंद कर दूंगा मैं भी। गाइज ये हमारा एक और पॉइंट आया है, इसको बोलते हैं कनी मार्ग। गाइज जो कश्मीर के पांच पांडव लोग थे, भारत के पांच पांडव लोग, उधर उन्होंने यहाँ से पत्थर लेके नीचे मामल टेपर और गौरी शंकर मंदिर बनाया। ओ इसे इसको बोलता है कनी मार्ग। गाइज सुल्तान को आप दूर रखो मुझसे यार भैया, देख सकते हैं ब्यूटीफुल भैया। भैया ऐसा मत करो, अरे भैया मानो, अभी नहीं मेरा वो निकल गया भैया, मेरा वो निकल गया, अभी अभी रुकेगा नहीं ना, बहुत देर हो गई। या तो आप इनको स्टॉप नहीं होगा। ओके ओके। तो गाइज पहलगाम में हमारा दूसरा दिन है आज, और आज हम लोग आरू वैली और बेताब वैली जाने वाले हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। आप देखना आगे स्नोफॉल वगैरह सब मिलेगी वहाँ पे। जो पहलगाम के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वैली वगैरह, उसके लिए हमको यहाँ से गाड़ी रेंट पे लेनी पड़ती है। टैक्सी स्टैंड है ये पहलगाम का, यहाँ से गाड़ी रेंट पे ही ऊपर जाती है, लोकल गाड़ीज नहीं जाती है। ये बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, आप इसमें से कोई भी रेंट पे ले सकते हैं। यहाँ से आप लोग टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड बुक कर सकते हैं। सबकी रेट्स वगैरह अलग अलग है, लोकेशंस की रेट के हिसाब से सबकी लोकेशंस अलग अलग है। आपको मैं जो रेट्स हैं यहाँ की वो दिखाता हूँ। ये हैं रेट्स वगैरह सारी, टूरिस्ट स्टैंड नंबर वन टैक्सी की आप देख सकते होंगे। एंड वहाँ पे मैप बना हुआ है, सो अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी से उतर के हमारी दूसरी गाड़ी जो हम लोगों ने बुक की है उसमें टॉप तक जाने वाले हैं। चले नाउ। गुलमर्ग भी कुछ नहीं है उसके आगे, दूध पत्री। राइट, नोट कर लेना। ओके थैंक यू, चलो। भैया इन्होंने लोकेशन बताई है, श्रीनगर से 2 घंटे का रास्ता है दूध पत्री, जिसके आगे सोनमर्ग भी कुछ भी नहीं है। आवाज़ भाई, आवाज़ भाई।
नहीं, अरे स्नोफॉल हो गई शायद। हाँ स्नोफॉल हो रही है। अरे स्नोफॉल के साथ गाइस हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड पहलगाम की जो दूसरी बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे बहुत स्नो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। एंड जब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।